कलर गदा 2 बॉक्स ऑफिस पर जबरदस्त कमाई कर रही है। इस फिल्म ने दूसरे वीकेंड पर तो शानदार कलेक्शन कर शाहरुख खान की पठान, सलमान की टाइगर जिंदा है, KGF सहित कई फिल्मों के रिकॉर्ड को तोड़ दिए हैं। ये फिल्म अपने ओपनिंग डे से ही डबल डिजिट पर कमाई कर रही है। चलिए जानते हैं गदर 2 ने अपनी रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे मंडे को कितने करोड़ का कारोबार किया है। गदर 2 में तारा और सकीना की जोड़ी को एक बार फिर पर्दे पर देख फैंस की खुशी का ठिकाना नहीं है। इसी के साथ फिल्म को देखने के लिए सिनेमाघरों में दर्शकों की लंबी लंबी कतारें लगी हुई हैं। फिल्म को रिलीज में 11 दिन हो चुके हैं, लेकिन अब भी थिएटर्स में सभी शो लगभग हाउसफुल जा रहे हैं। ऐसे में ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर जमकर नोट भी छाप रही है। शनिवार को इस फिल्म की कमाई में 51.56% का उछाल आया था और इसने बॉक्स ऑफिस पर 31.07 करोड़ रुपए का कारोबार भी कर लिया था। वही दूसरे संडे को फिल्म के कलेक्शन में 25.20% की तेजी देखी गई और इसने 38.09 करोड़ का शानदार कारोबार किया था। वही अब फिल्म के रिलीज के 11वें दिन यानी दूसरे सोमवार की कमाई के अनुमानित आंकड़े भी आ गए हैं। सैग्नल के रिपोर्ट के मुताबिक गदर 2 अपनी रिलीज के 11वें दिन अनुमानित 13 करोड़ रुपए की कमाई कर सकती है। इसी के साथ गदर 2 का कुल कलेक्शन 388.10 करोड़ रुपए हो जाएगा। हालांकि अनुमानित आंकड़े हैं, ऑफिशियल नंबर्स आने पर इनमें थोड़ा बहुत बदलाव हो सकता है। गदर 2 के डे वाइज कमाई के आंकड़े इस तरह है। पहले दिन 39 करोड़ रुपए, दूसरे दिन 42 करोड़ रुपए, तीसरे दिन 51.50 करोड़ रुपए, चौथे दिन 38 करोड़ रुपए, पांचवें दिन 55.50 करोड़ रुपए, छठे दिन 32 करोड़ रुपए, सातवें दिन 22.30 करोड़ रुपए, आठवें दिन 20 करोड़ रुपए, नौवें दिन 31.05 करोड़ रुपए, दसवें दिन 38.90 करोड़ रुपए, ग्यारहवें दिन अनुमानित 13 करोड़ रुपए। गदर 2 बॉक्स ऑफिस पर कमाई के नए रिकॉर्ड बना रही है। फिल्म के अब जल्द ही 400 करोड़ के क्लब में शामिल होने की उम्मीद है। उसके बाद ये फिल्म पठान के बाद साल 2023 की दूसरी सबसे कमाई करने वाली हिंदी फिल्म बन जाएगी। अनिल शर्मा के डायरेक्शन में बनी इस फिल्म में सनी देओल और अमीषा पटेल के अलावा उत्कर्ष शर्मा, सिमरत कौर, गौरव चोपड़ा सहित कई कलाकारों ने शानदार एक्टिंग की है।